हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी विद मी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। किसी प्लांट के पार्ट का ऐसा कोई ग्रोथ मूवमेंट जो कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होता हो, जिसके अंदर जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है वो डिसाइड करती हो, यानी कि जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है वो डिसाइड करती हो कि रेस्पॉन्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, यानी रेस्पॉन्स जो है वो कहाँ पर होगा। स्टिमुलस की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि रेस्पॉन्स जो है वो किस तरफ होना है। अभी मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया हुआ, तो अभी हम इसको एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है समझने के लिए ट्रॉपिक मूवमेंट में है कि ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ होता है। तो अब मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप इसमें देख सकती हैं, ये जो प्लांट है इसका रेस्पॉन्स जो है वो सनलाइट की तरफ है। सनलाइट यहाँ पर स्टिमुलस है, तो इसका रेस्पॉन्स जो है वो सनलाइट की तरफ है, उसकी डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ। और एक एग्जांपल नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का लेते हैं। जैसे कि ये जो सेंसिटिव प्लांट है, जिसको इंग्लिश में मोमेशा पोडिका के नाम से कुछ ऐसे ही जानते हैं, और हिंदी में इसे छुई मुई का पेड़ बोलते हैं। इसको छूने से ये मुरझा जाता है। तो ये जो प्लांट है, ये जो मूवमेंट हुआ, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ। यानी कि इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो मूवमेंट हुआ है वो किस डायरेक्शन में, अपनी जगह पर ये जो है मुरझा गया है। तो ये जो एग्जांपल होगा ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का एग्जांपल होगा, और ये जो है ये सनलाइट वाला ये डायरेक्शनल मूवमेंट का होगा। तो ये जो है डायरेक्शनल मूवमेंट वो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो ये था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी हम इसे एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, इसका जो रेस्पॉन्स है वो इस लाइट की तरफ है, यानी लाइट यहाँ पर स्टिमुलस है और इसका रेस्पॉन्स इस डायरेक्शन में, स्टिमुलस की डायरेक्शन में। ये भी डायरेक्शनल मूवमेंट है, या हम कहें ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। और इसका देखते हैं, ये प्लांट जो है इस गमले को हमने टेढ़ा कर दिया है, तो इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ है, वो फिर भी ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। वो इसलिए होता है, मतलब ये जो मूवमेंट है, ये कौन सा मूवमेंट हुआ, ये भी डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि ये जो ग्रो मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ मूवमेंट, वो टूवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ है। ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट है। और एक इसे लेते हैं, ये भी पानी वाला जो है, वाटर वाला, ये भी जो है डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि इसमें देखिए इसकी जो जड़ है वो पानी की तरफ मूव कर रही है, यानी इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो पानी की तरफ है। ये भी हमारा ग्रोथ या ट्रॉपिक मूवमेंट है। इसी तरीके से ये है, ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट है। और एक ये है टच वाला, और ये भी हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो स्टेम टेंड्रिल है वो अपने सपोर्ट के लिए इस बैम्बू की तरफ जा रही है, इसकी तरफ ग्रोथ कर रही है, इसलिए ये भी डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ। अब हम देखते हैं इसके, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यानी कि अगर हम जो रेस्पॉन्स की डायरेक्शन देखें तो उसके बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं कि जो रेस्पॉन्स है वो किस डायरेक्शन में। और पहला
जो टाइप है वो है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है वो अगर हो जाए स्टिमुलस की डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ स्टिमुलस है उस तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम उसे ट्रॉपिज्म मूवमेंट कहेंगे। और दूसरा है नेगेटिव ट्रॉपिज्म, अगर स्टिमुलस जिस तरफ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है हम उसे नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं या नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इसका एग्जांपल है जैसे आप देख सकते हैं इस प्लांट में, इस प्लांट में जो स्टेम है ये तो हमारी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हुई, यानी कि ये जो हमारी पॉजिटिव मूवमेंट है क्योंकि ये जो है हमारे सनलाइट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, सनलाइट की तरफ जो ग्रोथ कर रहा है। और इसकी दूसरी तरफ जो स्टेम है ये हमारी नेगेटिव मूवमेंट हो, मतलब नेगेटिव के एग्जांपल में आएगी क्योंकि ये जो है सनलाइट से दूर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ग्रोथ करता है, तो ये जो हमारा है नेगेटिव मूवमेंट में आया, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट में आया। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक्स को आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और हमारा जो एक वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं, हमारी दूसरी वीडियो जो है वो नेस्टिक मूवमेंट के बारे में है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, उसे भी देख सकते हैं। Thank you for watching my video.